Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस फैक्ट्री में कौन कब अपॉइंट होता है ये मैं देखता हूँ या तो आदिल भाई, हाँ भी नहीं देखती। आप यहाँ पे बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दूंगा। मगर प्लीज ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपका रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये हसन कौन होता है मेरे खिलाफ आपके कान भरने वाला? हसन कोई गैर नहीं है, इस घर का फर्द है। घर का फर्द है तो फर्द बनकर रहे, हमारे किसी मामले में उसे मदाखलत करने का कोई हक नहीं। तो फिर आप क्या चाहती हैं, क्या करूं मैं? दूसरी शादी। दूसरी शादी? मैंने ऐसा कब कहा यार, बोझ बन गई है। अगर तुम भी तो कमाल करती हो ना, अच्छा भला स्कूल में पढ़ती थी, उसको नए स्कूल में डालने की जरूरत क्या थी? मुफ्त के खर्चे हैं यार, 3,000 तो वैन वाला ले जाता है, और फिर रोज कभी कोई एक्टिविटी कोई फंक्शन सालगिरह यार, मुफ्त के चोंच लेंगे। और अम्मा भी ये कह रही, यकीन था मुझे, अम्मा ने कहा है ना ये सब। हाँ तो कौन सा गलत कहा है यार, ठीक ही तो कह रही है। हमने क्या करना है बच्ची को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा कर यार, हमने कौन सी नौकरी करवानी उसे? आज कह रहे हैं कि उसे सस्ते स्कूल में डाल दो, कल कह रहे हैं कि कौन सी नौकरियां करवानी है तो घर बिठा लो, तो घर बिठा देंगे उसे। ये बात करने का क्या मकसद है? मैंने ऐसा कहा तुम्हें? देखो मेरी बात सुनो। कौन सी कोई काम की बात कर रहे हैं जो सुनूंगी बैठ के मैं? नहीं करनी मुझे बात। बात सुनो। Yes. हसन? Oh, अभी आप? हाँ हसन, वो तुम्हारे लिए सूप लाई थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, भाभी हूँ तुम्हारी और तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी तबीयत बेहतर है अल्लाह का शुक्र। आप तो मम्मा को जानती हैं, वो मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हो जाती है, खुद ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल से ऑफिस जाना शुरू करूंगा। एक बात बताइए, जन्नत कहाँ गायब है, आज आई नहीं मुझसे मिलने? जन्नत तो सो गई है, सुबह मिल लेना उससे। अच्छा हसन ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, वापस जाना भी है या यही रहना है? फिलहाल तो अभी कुछ मैंने प्लान नहीं किया है, देखिए क्या डिसाइड करता हूँ। क्यों पूछ रही थी आप? नहीं नहीं बस वैसे ही। अच्छा मैं चलती। वो हसन दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं नूर का स्कूल किसी सूरत चेंज नहीं कराऊंगी सुफियान। आपसे फीस नहीं मैनेज हो सकती है, ना हो मैं खुद मैनेज कर लिया करूंगी। बच्चों वाली बात कर रही हो यार, एक बार देनी फीस, हर महीने देनी है यार, कहां से अफोर्ड करेंगे? एक दफा करनी होती तो मैं भी कर लेता। अब नहीं कर सकते ना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, जितनी चादर उतना देख के पांव फैलाना चाहिए। मतलब आपको लगता है मुझे चादर से बाहर छलांगे मारने का शौक है सुफियान? मजबूरी है मेरी, बच्ची नूर एहसासे कमतरी का शिकार हो रही है सुफिया। वो जन्नत को देखती है कि वो इतने महंगे स्कूल में जाती है, इतने महंगे कपड़े पहनती है, इतने महंगे खिलौनों से खेलती है, और नूर के पास क्या है? क्या जवाब दूं मैं उसकी इन बातों का? एटलीस्ट अच्छे स्कूल में पढ़ेगी तो मैनेज हो जाएगा थोड़ा सा। आप चाहते हैं मैं स्कूल भी चेंज करवा दूं? लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मामा और आदिल से कुछ नहीं कहोगे। भाभी ऐसी क्या बात है, खुल के बताइए मुझे। वो कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन
फज पूरी है। कैसे कहूं, शायद सुनकर तुम्हें अच्छा ना लगे। अरे भाभी बोलिए। हसन। अरे भाभी प्लीज कहिए ना, क्या कहना। मुझे ना 3 लाख रुपयों की अशद जरूरत है। मैंने तुम्हारे भाई से मांगे थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 3 लाख रुपए की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाभी? वो अम्मा के इलाज के लिए। वो दरअसल अम्मा ना हार्ट पेशेंट है और अम्मा के जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो सारी फरहान की शादी में खर्च हो गई। सुफियान भाई तो वैसे ही कर्जों में डूबे हुए हैं और ऐसे में फरहान की भी नई नई शादी हुई है, वो अपनी लाइफ में मगन है। तो मैं सोच रही थी कि अम्मा का प्रॉपर इलाज करवा लेती मैं। हैरत है, भाई ने रकम देने से इनकार कर दिया। आपकी वालदा की सेहत से बढ़ के थोड़ी है ये पैसा। आप फिक्र न करें, मैं भाई से बात करता हूँ। नहीं नहीं हसन, आदिल से कोई बात मत करना। पता नहीं आदिल को आजकल क्या हो गया है, बात बात पर मुझे डांट देते हैं। अब देखो, अगर तुम मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। उधार? हाँ, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगी। अरे नहीं भाभी, रकम तो मैं आपको दे दूंगा मगर ये बात ज्यादा देर तक मामा आदिल भाई से छुपी नहीं रहेगी क्योंकि मैं कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल के दूंगा आपको। हसन प्लीज, किसी भी तरह ये बात आदिल को नहीं पता चलनी चाहिए और ना ही मामा को। तुम तो जानते ही हो कि मामा बात बात पर मुझे मिडिल क्लास होने के ताने देती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आप फिर ऐसा कीजिएगा, सुबह चेक ले लीजिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देगा। हेलो। हाँ जी, आ गई आपको बहन की याद 2 दिन बाद। क्या करूँ आप, ऑफिस में वर्कलोड इतना है। खैर छोड़ें, आप बताएं क्या करिए। क्या करूँगी मैं, तो बस सफाई ही कर रही थी, घर के काम और क्या। अच्छा बात सुने, आप घर के काम करने से जब फारिग हो जाए तो मुझे बताइएगा, लंच प्लान करें। ट्रीट मेरी तरफ से, नूर को लेके भी आइएगा। आलिया क्यों पैसे खर्च करती रहती हो हर वक्त, क्या हो गया है तुम्हें। प्लीज अब लेक्चर मत दें और ये बताएं कि आप लोग कब फ्री हो रहे हैं और कब पहुंच रहे हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीर साईं, आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। बस अब किसी तरह मेरी सास का दिल भी नरम कर दें। हो जाएगा बीबी, हो जाएगा। रकम तो पूरी है ना बीबी? हाँ हाँ, पूरे 3 लाख रुपए हैं। अल्लाहु अब अल्लाहु। ठीक है बीबी, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा मगर इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मसलन कितना वक्त? कम से कम 5 महीने या 1 साल बीबी। 1 साल? ऐसे कामों में वक्त लगता है। फिर करोड़ों की जायदाद का मामला है बीबी, करोड़ों की, कोई मामूली बात नहीं है। जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, इंतजार करो। और हाँ, तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। हट।
अल्लाह अल्लाह। और पीरसाई मेरी गोद कब भरी होगी? शादी को इतने साल हो गए, अभी तक कुछ। दीदी इस मसले का हल भी निकल आएगा, मगर मगर उसके लिए तुम्हें अलहदा सा रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जाओ जाओ, पहले रकम का बंदोबस्त करो, फिर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। जाओ बीबी, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे, अल्लाह तुम्हारी गोद भरी करे। जाओ बीबी, जाओ जाओ बीबी, हट। आपकी अम्मा को देखने आया था, आपने बताया था बहुत बीमार है वो, बहुत तबीयत खराब है उनकी। हे लड़की, तुम्हारा क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं भली चंगी बैठी हूँ। क्या वजह है कि आपने हम सबको धोखे में रखा हुआ है? आप जानती हैं आपकी इस हरकत के बारे में अगर मैंने मामा और भाई को बता दिया तो वो क्या हाल करेंगे आपका? आपी, आप नूर को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? आपको पता है मैं कितना मिस कर रही हूँ उसको। आलिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी जो मैं नूर के सामने नहीं कर सकती थी। क्या बात है आपी, घर में कुछ बात हुई है? सुफियान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में है और अम्मा भी मुझसे एक एक पैसे का हिसाब मांगती हैं। आलिया, सुफियान कह रहे थे कि हम नूर को दोबारा से किसी सस्ते स्कूल में डाल देंगे। वक्त कौन आ गया? ए गुड्डू, जरा जाके देख तो कौन आया। जी अच्छा। अम्मा, वो हसन मियां आया है, सैरिश बाजी के देवर। हसन और यहाँ? अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। कैसे आना हुआ, अकेले आए हो क्या? नहीं, बस एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपकी तबीयत का पूछता चलूं। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। वो अम्मा, मैंने सुना था कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है। अरे अल्लाह ना करे, ये खबर तुम्हें किसने सुना दी? अच्छा, शायद फिर मैंने कुछ गलत सुना हो। खैर आप सुनाइए, घर पर सब खैरियत से? बेटे फरहान का तो तुम्हें मालूम है, और सुफियान ऑफिस गया है। अरे गुड्डू, बेटा मेहमान आए हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, अब मैं निकलूंगा, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है, बगैर खाए पिए तुम्हें जाने दूंगी मैं क्या? जाओ गुड्डू, कुछ खाने का इंतजाम करो। अभी लाया। अच्छा सुनो, बस एक कप चाय। अच्छा बैठो तो सही। ठीक बैठो। मुझे नहीं यकीन आ रहा आपी, सुफियान भाई ऐसे भी बात कर सकते हैं? आ गया, सुफियान ने जो पैसे तुमसे लिए थे वो वापस कर दिए ना? जी जी, चेक बना के दे दिया था। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? जी मैं क्यों झूठ बोलूंगी। ठीक है, तुम एक काम करो, वो पैसे बैंक में डाल के फिक्स करवा दो, और उन पैसों को बिल्कुल हाथ ना लगाना, अपनी शादी के लिए संभाल के रखो, उस वक्त काम आए। आपी,
फिर से उस टॉपिक पे बात करना आप शुरू कर देना, मेरा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा नहीं करती वो बातें, ठीक है? अच्छा बताएं क्या कहेंगी? खाऊंगी नहीं, कुछ कुछ पीने के लिए मंगवा लेते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी, जूस पीएंगी? दो जूस। अच्छा बेटा ये तो बताओ सभी बहन कैसी हैं? जी मामा बिल्कुल ठीक है अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हसन तुम यहाँ? जी आपकी अम्मा को देखने आया था। आपने बताया था बहुत बीमार है वो, बहुत तबीयत खराब है उनकी। हे लड़की तुम्हारा क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं भली चंगी बैठी हूँ, हे खाम खाम बच्चे को परेशान किया, देखो कैसा दौड़ा दौड़ा मुझे देखने के लिए चला आया। इसी से पता चलता है कि खानदानी है बच्चा। वैसे बेटा मुझे सविया बहन से एक गिला हमेशा रहेगा, मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी कि जिस तरह से उन्होंने अपने बेटों की तरबियत की है अपनी बेटी की क्यों नहीं की? क्यों माँ, क्या नताशा से कोई गलती हो गई? बेटा हम तो उसकी हर गलती को नजरअंदाज करने की कोशिश कर, ये सोच कर के वो एक मुख्तलिफ माहौल में पली बड़ी है, उसकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी हम सोचते हैं, लेकिन बेटा शायद वो यहाँ खुश नहीं है, या फिर हम लोगों से खुश नहीं है। अरे नहीं अम्मा, नताशा आप सब लोग को बहुत पसंद करती है, खास करके फरहान को, और यही वजह है कि उसने अपनी खुशी से शादी के लिए हाँ की थी। हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा, आप भी ना बिला वजह परेशान होती है। अब अगर आपका शिकायत नामा खत्म हो गया हो तो हसन आया है उसके लिए कुछ खाना पीने का बंदोबस्त करवाएं। नहीं नहीं प्लीज, अब आपको इस तकल्लुफ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। स्टडीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उसकी मंथली फीस जमा करवा दिया करूंगी और आप मुझे मना नहीं करेंगे। मगर आलिया आपी, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना आप मुझे मना नहीं करेंगी। नूर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है आलिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको एतराज किस बात से। माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, हर महीने मैं उसकी फीस दे सकती हूँ, और फिर मैं अपनी सैलरी का करूंगी क्या? परेशान हो गई हूँ तुमसे मैं। तुम कैसी इंसान हो, दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हो, अपने बारे में भी तो सोचो। अब वक्त आ गया आलिया, अपने मुस्तकबिल को देखो प्लीज। आप ही, आपका और नूर का शुमार मेरे अपनों में हो। आप नूर जन्नत मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं। और फिर मैं अपनी भांजी की अपनी खुशी से फीस देना चाहती हूँ, उसकी एजुकेशन कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, उसमें खर्च क्या है? पता है तुम कभी कभी मुझे लाजवाब कर देती हो, बहस करना ही बेकार है तुमसे, तुम जीत गई। ठीक है ठीक है, बेकार है ना, ना करें आप, जूस पिए। हाँ हसन बोलो क्या बात है? अब आप मुझे सच सच बताइए, आपने मुझसे 3 लाख रुपए किस पर्पस के तहत लिए? एंड फॉर गॉड सेक प्लीज, अब आप मुझे कोई मनगढ़ंत कहानी मत सुनाइए।
हसन, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ये झूठ बहुत मजबूर होकर बोला है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी, क्या मैं जान सकता हूँ? हसन, तुम मुझसे इस लहजे में बात क्यों कर रहे हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। आपने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपसे इस लहजे में बात करूँ। मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ तब से आपके अजीब और गरीब हरकतों को नोट कर रहा हूँ। झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही हैं, कभी मुझसे, कभी भाई से, कभी मम्मा से। क्या मैं इन सब की वजह जान सकता हूँ आपसे? क्या वजह है कि आपने हम सबको धोखे में रखा हुआ है? आप जानती हैं आपकी इस हरकत के बारे में अगर मैंने मम्मा और भाई को बता दिया तो वो क्या हाल करेंगे आपका? क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं हसन, कि मैंने तुमसे 3 लाख रुपए किस मकसद के लिए लिए थे? मैं बहुत मजबूर थी, बहुत ज्यादा। मामा के ताने सुन सुन के मैं नफ्सियाती मरीज बन गई थी। मामा ने आदिल से साफ साफ कह दिया था कि अगर मैंने उन्हें औलाद ना दी तो वो मुझे तलाक दिलवा कर आदिल की दूसरी शादी करवा देंगे। भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहरहाल आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, जल्दी बताइए क्या बात। हसन, दरअसल मैंने वो रकम अपना इलाज करवाने के लिए ली थी। इलाज? कैसा इलाज? मैं शहर की एक बहुत फेमस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही हूँ। उसने मुझे उम्मीद दिलाई है कि मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन जो ट्रीटमेंट वो मेरा कर रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने आदिल से कहा था रकम का, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया मुझे। हैरत है, वो क्यों इनकार करेंगे? क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। What? No. I don't believe this. मेरा यकीन करो हसन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अपना इलाज सिर्फ और सिर्फ अपना घर बचाने के लिए कर रही हूँ। तुम यहाँ के माहौल से बिल्कुल बेखबर हो, तुम नहीं जानते कि एक बे औलाद माँ के साथ ये माशरा क्या सुलूक करता है। अच्छा ठीक है, प्लीज अब आप रोइए मत, आप प्लीज रोना बंद करें। इस घर में तुम ही हो जो मेरा दुख समझ सकते हो हसन। मेरा यकीन करो कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। देखो हसन, अपने भाई से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज हो जाएंगे और हमारे ताल्लुकात मजीद खराब हो जाएंगे। ओके, आप परेशान ना हो, मैं भाई से कोई जिक्र नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। आप प्लीज रोइए मत। चलिए मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अम्मा को मेरा सलाम कहिएगा, मैं चलता हूं। साफ अल्फाजों में कह दिया कि आप नूर की तालीम का खर्चा नहीं उठा सकते। आपने तो ये भी कह दिया सुफियान कि बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। क्या मतलब सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी? ऑफ कोर्स यू हैव टू गो। भाई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, आपने सबमिट किया, आपसे अच्छी ब्रीफिंग कोई दे नहीं सकता। मिसारिया, आपको जाना बहुत जरूरी है। नूर की फीस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम हो गया है, मुतमईन हो जाए आप। सादिया, तुम कई दिनों से मुझसे बहुत रूडी बात कर रही हो, बात बात पे ताने देती हो, तंज करती हो।
हालांकि तुम जानती हो क्या हालात हैं, इन हालात में तुम्हें मेरी सपोर्ट करनी चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। मैंने हमेशा हर तरह के हालात का सामना बहादुरी से किया है सुफियान। आपको हमेशा तसल्ली भी दी है, हौसला भी बढ़ाया है आपका। लेकिन कल आपकी बातें सुनने के बाद अब जी नहीं कर रहा आपका हौसला बढ़ाने का, आपको तसल्ली देने का। ऐसा क्या कह दिया है? आपने साफ अल्फाजों में कह दिया कि आप नूर की तालीम का खर्चा नहीं उठा सकते। आपने तो ये भी कह दिया सुफियान कि बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसा एजुकेटेड आदमी इस तरह की बात कर सकता है। मैंने ऐसा कब कहा यार? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि उसका एडमिशन किसी थोड़े सस्ते स्कूल में करवा दो यार। सुफियान एक एक लफ्ज याद है मुझे जो आपने कहा था। अच्छा अगर मैंने गुस्से में कोई ऐसी बात कह भी दी है तो आई एम सॉरी यार, मेरा मतलब ये नहीं था। साथिया मुझे जरूरत है यार तुम्हारी, आई नीड यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूं साथिया। सरिश, क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं अभी मूड नहीं है। सरिश मैं देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से अपसेट हो, इसलिए तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? वो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम वेकेशन पे हिल स्टेशन हो यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। कैसा लगा प्लान? जबरदस्त, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कब जा रहे हैं हम? What about this weekend? Not a bad idea. लेकिन जन्नत का क्या करेंगे? Of course, हमारे साथ जाएगी, हमारी बेटी है। आई थिंक हमें अकेले चलना चाहिए, जन्नत को ना अम्मा की तरफ छोड़ देते, बच्चों के साथ कहाँ एंजॉय कर पाएंगे। जन्नत को हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और मैं एक बात नोट कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ अटैच नहीं हो रही और तुम भी बात बात पे उसको बहुत रोक टोक करती, आखिर क्यों? बिला वजह तो नहीं टोकती ना आदे, जिद करती है तभी तो कहती हूँ। अब अगर डांटो नहीं हर वक्त प्यार करती रहूं तो सर पे चढ़ जाएगी वो। यही तो फर्क होता है सगी मामे और सौतेली। क्या मतलब है आपका आदिल? मैं जन्नत की कोई सौतेली तो नहीं हूँ। लेकिन सुलूक तो तुम सौतेली माँ वाले ही कर रही। अगर जन्नत तुम्हारी सगी औलाद होती तो क्या तुम यूं उसको अकेला छोड़कर घूमने फिरने का प्लान बनाती? बिल्कुल नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये प्लान भी मैंने जन्नत के लिए ही बनाया है। मैं जन्नत को खुश देखना चाहता हूं, मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। हो सकता है अल्लाह ताला को हमारी यही बात पसंद आ जाए और वो हमें हमारी औलाद से नवाज दे। मैं कॉफी लाती हूँ। Excuse me sir, HS company से fax आया है। Oh brilliant, मैं जानता था ये मैं appointment जरूर देंगे। लेकिन timing कुछ odd है, सुबह 7:30 बजेगी। Really sir? सुबह 7:30 बजे? इस वक्त कौन सा office meeting रखता है?
वो क्या है ना, इस कंपनी का जो सीईओ है वो थोड़ा खड़ूस है, क्रैक है, उसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है मिसालिया। लेकिन मुझे यकीन है आपकी जो प्रेजेंटेशन है उससे ये जरूर इम्प्रेस होगा। क्या मतलब सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी? ऑफ कोर्स यू हैव टू गो। भाई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, आपने सबमिट किया, आपसे अच्छी ब्रीफिंग कोई दे नहीं सकता मिसालिया। आपको जाना बहुत जरूरी है। मिसालिया क्या सोच रही है? नथिंग सर, मैं चलूंगी। ठीक है तो फिर आप तैयारी करें, कल सुबह को मैं आपको आपके घर से पिक करूंगा। ओके सर, थैंक यू। टीचर ने आपको ये दिखाने के लिए कहा था। क्या है ये, फिर से कोई कंप्लेन लेकर आई हो? मुझे नहीं देखनी कोई डायरी वायरी। शाम को ट्यूटर आएगा ना, उसे दिखाना, जाओ। मगर मम्मा टीचर ने कहा। जन्नत, मैंने कहा ना शाम को ट्यूटर को दिखाना अपने, अब जाओ यहाँ से। यार आई नो, बहुत बोरियत हो रही है मुझे भी, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि कोई लेडीज क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। तुम भी मेरे साथ चलना, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ ना मम्मा। हाँ जस्ट होल्ड ऑन ना मैं। हाँ कहो जन्नत, क्या हुआ? मम्मा टीचर ने आपको ये दिखाने के लिए कहा था। क्या है ये, फिर से कोई कंप्लेन लेकर आई हो? मुझे नहीं देखनी कोई डायरी वायरी। शाम को ट्यूटर आएगा ना, उसे दिखाना, जाओ। मगर मम्मा टीचर ने कहा। जन्नत, मैंने कहा ना शाम को ट्यूटर को दिखाना अपने, अब जाओ यहां से। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? अरे नहीं सच में मैं तो बिल्कुल तैयार हूं यार, दोनों साथ चलते बहुत मजा आएगा। हाँ क्या वो बेटा, रो क्यों रही? मम्मा ने डांटा है। मगर क्यों? टीचर ने कहा था मम्मा को ये डायरी दिखाना, फिर मम्मा ने मगर नहीं देखी। अच्छा सर, आप रोइए नहीं, हम देखेंगे आपकी डायरी, हम देखेंगे ना। आ जाओ, शाबाश, आओ। रोते नहीं है, बिल्कुल नहीं रोते। ये लीजिए गरम गरम चपाती। ऐसा दिया, ये क्या तुमने फीका सीठा खाना पकाया है? तुम तो खाना ही पकाना भूल गई, पहले इतना अच्छा खाना पकाती थी, अब क्या हो गया? अम्मा आपकी हिदायत के मुताबिक ही बनाया है, आपने कहा था तेल कम रखूं, मिर्चें कम, नमक कम, तो ऐसा ही बनेगा ना फिर। अच्छा यार अब नई बहस ना शुरू कर देना आप लोग, तुम रोटी लाओ और अम्मा खा लें जैसा भी है। मैं रोटी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा खाएंगे आप, भूख नहीं लगी? थोड़ा सा खा लो। गुड्डो, गुड्डो, हेलो एवरीवन। अरे आइए आइए यार, ये सारा सामान पर रख दो और गाड़ी में भी कुछ है वो भी निकाल, ठीक है? कैसी है मेरी अम्मा? जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हो? अरे भाई तुम आने से पहले इत्तला कर देते, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा खाना पकवा लेती। आओ खाना खाओ। अम्मा मुझे भूख नहीं है, बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आ गए तुम लोग? हाँ भाभी मैं बहुत थकी हूँ, आप मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देंगी प्लीज? श्योर, व्हाई नॉट। खैर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भाभी, खाना खाना है। अफरान मैं तुम्हारे लिए चपाती डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं। अरे मैं बना ही रही थी, मैं बना देती हूँ। चलो ये भी ठीक है। तुम अपने लिए क्या लाए? आपके लिए, आपके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊं, लेकिन पहले खाना खा लूं फिर दिखाऊं, ठीक है? रियली चाचू? बिल्कुल ऐसा ही। भाई चाचू को खाना तो खा लेने दो ना, उसके बाद फिर अपनी फरमाइशें कर लेना। आप भी कहो। हाँ सुनो, ये गुड्डू से कह के जरा प्रेस करवा दो।
फरहान मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज खुद करवा लो। और हाँ, सुबह मुझे मामा के पास छोड़ देना, मैं वहाँ एक दो दिन रहूंगी। ठीक है, तैयार हो जाना जल्दी। ओके। हाँ मामा, I'm coming home tomorrow. इतनी ऊंची आवाज में तुम लोगों ने कार्टून लगाया हुआ, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मामा आप अभी तक सोई नहीं? इतने शोर में मैं कैसे सो सकती हूँ? और ये जन्नत अभी तक क्यों जाग रही है? मामा वो एक्चुअली हम कार्टून देख रहे थे तो वक्त का पता नहीं चला। रात के 12 बज रहे हैं और तुम अभी तक कार्टून देख रही हो? चलो अपने कमरे में चलो।